फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मेथड में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट केक। सो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं फ्रूट केक। फ्रूट केक बनाने के लिए हमें चाहिए हैवी क्रीम, या हम व्हिप क्रीम भी कह सकते हैं इसे, बनाना, पपीता, एप्पल, मौसमी। आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं जैसे कीवी, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स वगैरह। हम बना रहे हैं कि बिना किसी ओवन के, बिना किसी माइक्रोवेव में किए हुए हम बनाएंगे ब्रेड के साथ। ब्रेड के मैंने 9 स्लाइसेस ले लिए। स्लाइसेस को मैंने इसका साइड का ब्राउन जो पार्ट है वो निकाल दिया। आप लोग देख सकते हैं कि ब्राउन पार्ट भी पड़े हैं, ठीक है। फिर हमने लिए 300 ml वाटर। सिंपल वाटर है ये प्लेन। आइए शुरू करते हैं। पहले हम 150 ml वाटर को बॉयल करेंगे, उसमें चीनी डाल के। आइए आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें 150 ml वाटर डाल दी है। 150 ml वाटर मैंने रख ली है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैं अपने हिसाब से 2 tablespoons डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। हमने ज़्यादा इसकी, हम ये चानी बना रहे हैं, हम ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे, सिर्फ एक मतलब उबाला देंगे ताकि चीनी घुल जाए। हमने चानी का पानी उबलने के लिए रख दिया। मैंने हाफ इसलिए रखा, वो उसके साथ ही आपको बताऊंगी क्यों मैंने हाफ रखा है। अब हम ये क्रीम है इसको हम व्हिप करेंगे। इसको हमने कम से कम 20 मिनट के लिए व्हिप करना है। आप लोग देख सकते हैं मेरी पानी में बिल्कुल चीनी घुल चुकी है। तो हम इसको गैस जो है वो बंद कर देंगे। अभी हम फिलहाल पानी ठंडा होने के लिए रख देंगे कुछ 15-20 मिनट के लिए। और जो हमने पानी रखा था वो अब इसमें मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो पानी है, चानी है मतलब, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। इसको हम ऐसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसमें हमने फ्रूट्स डाले। अगर हम फ्रूट्स ऐसे गर्म पानी में डालेंगे तो उनका ख़राब हो जाते हैं वो, तो इसलिए इसको प्रॉपर ठंडा रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पानी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ फ्रूट्स। कुछ ले आना। इसमें पहले मैं एप्पल डालने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इतने एप्पल डाले हैं, मैंने थोड़े से रखे हैं, वो बाद में बताऊँगी क्यों। ये मौसमी मेरी, ये पपीता, मैं बनाना नहीं डालूंगी क्योंकि बनाना अगर हम चानी में डालेंगे तो वो पहले मीठा होता है। और चानी में हमने ये इसलिए डाला है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो चानी में भी आ जाए और जो फ्रूट थोड़े खट्टे होंगे वो मीठे भी हो जाए। इसको हम सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें रखे हुए चानी और फ्रूट्स को 1 घंटा हो चुका है। इससे केक हमारा, और हम ये जो चाहनी है एक बोल में निकाल दें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और फ्रूट्स हमने साइड पर रख दिए। हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे इससे जो चाहनी है, चाहनी में फ्रूट्स का फ्लेवर आ गया और फ्रूट्स में चाहनी का, तो इससे केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग देख सकते हैं हमने ये इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे निचोड़ देना है ताकि इससे जो पानी है एक्सेसिव वाटर वो निकल जाए नीचे डोंगे में। ये केक बहुत ही टेस्टी और फुल ऑफ फ्रूट्स होने वाला है, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। अब हम फ्रूट्स हमने निचोड़ लिए, अब फ्रूट्स को एक साइड में प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमने, ये हमारी चानी है। अब इसमें और धनिया, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो व्हिप की है वो भी हो चुकी है। इससे ये देखो फूल के ये डबल हो चुकी है।
अब हम गैस कैसे करेंगे कि ये व्हिपिंग क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। हम एक चम्मच में लेंगे और चम्मच को पूरा उल्टा कर देंगे। ये देखिए मेरी बिल्कुल नहीं गिर रही, तो इसका मतलब ये व्हिपिंग क्रीम हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब हम तैयार करेंगे केक। हम पहले नीचे थोड़े सी ये क्रीम लगा लेंगे। इसके ऊपर हम ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे ऐसे। ये बिल्कुल हमने जॉइंट रखने हैं। मैं स्केयर में बनाऊंगी इसलिए ऐसे चार रखूंगी। इसके ऊपर हम ये रखेंगे, ये डालेंगे हमने जो चार ही तैयार की है वो। इससे हमारी चानी के डालने से हमारा ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो ये हम अच्छे से चारों साइड इसके सेपरेट करेंगे। ये देखिए हमने जो हमारी चानी थी वो ब्रेड के ऊपर सेपरेट कर दिया, मैंने अच्छे से सेपरेट किया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी व्हिप्ड क्रीम। इसको भी हमने चारों साइड बहुत अच्छे से फैला देना है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमारे फ्रूट थे, ये वाले जो हमने बॉईल किए हुए थे। अब हम डालेंगे बनाना। आपको मैंने पहले जैसे बताया कि बनाना हमने चानी में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये बहुत पहले मीठा होता है, अगर हम इसको चानी में डालेंगे ये और सॉफ्ट हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम और डालेंगे ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए। इसको हम थोड़ा ऐसे दबा देंगे ताकि वो बिल्कुल अच्छे से क्रीम के साथ सेटल हो जाए फ्रूट्स। अब हम इसके ऊपर फिर से रखेंगे ब्रेड स्लाइसेस, देखिए ऐसे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे शुगर सिरप। अब मैंने इसके ऊपर शुगर सिरप डाल दिया, मतलब चानी डाल दिया। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे क्रीम, जो हमारी व्हिप्ड क्रीम थी जैसे कि आपको पता है। इसको हम अच्छे से फैला देंगे चारों साइड पे इसको भी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रूट्स। अब हम इसके ऊपर हमारा दूसरा फ्रूट बनाना। अब हम इसके ऊपर इसके हम ऊपर व्हिप्ड क्रीम डाल देंगे ताकि फ्रूट जो हमारा वो सेटल हो जाए। अब इसके ऊपर हम एक और लेयर ब्रेड भी डालेंगे। आप चाहे तो दो लेयर भी डाल सकते हैं, बट मैं तो एक और ही डालूंगी। बिल्कुल अच्छे से अब फिर से इसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। बिल्कुल अच्छे से शुगर सिरप हमने कर देना सेपरेट। हम फिर से क्रीम लगाएंगे। कुछ
चारों साइड पे अच्छे से क्रीम हमने सेपरेट कर देनी है। जो हमारी चार साइड एक्सेसिव क्रीम होगी वो उसको भी ऐसे कवर कर देना। अब मैं जो व्हिप्ड क्रीम है इसको हम थोड़ी देर साइड पे रख देंगे। अब अगर आपके पास डेकोरेशन क्यूब्स नहीं है तो एक सिंपल ऐसा पॉलीथीन ले ले, इसमें ऐसे जो व्हिप्ड क्रीम इसको ऐसे भर दे, इसको एक कॉर्नर पे लेके आए। देखिए अब मैं इसको आगे से कट कर दूंगी, आप जिस जैसे चाहें इसको कट कर सकते हैं, छोटा बड़ा। मैंने सिर्फ इतना से साइज के लिए कट किया। आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे ऐसे करूंगी, चारों कॉर्नर्स पे। सेंटर में मैं फ्रूट्स डालूंगी फुल ऑफ, ताकि ये देखने में भी और खाने में भी बिल्कुल अच्छा लगे। ये बिल्कुल मार्केट जैसा इसका टेस्ट है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रूट्स। ये देखिए ऐसे फ्रूट्स हम डाल देंगे। इसके ऊपर हम बनाना डाल देंगे। ये केक हमारा हो चुका है। अब हम इसको फ्रीजर में फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखेंगे। उसके पहले मैं यूज कर रही हूँ अमूल डार्क चॉकलेट। ये देखिए इस पे ऐसे सेंट के, इससे टेस्ट चॉकलेट तो टेस्टी होती है और फ्रूट्स का भी बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। थैंक यू, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये सभी के लिए एक हेल्दी केक है, जैसे कि आप लोग, मैंने कुछ भी इससे में कुछ गलत वगैरह यूज़ नहीं किया, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्टी और हेल्दी है। ये घर पे सभी को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी और छोटों को भी, बच्चों को भी।